been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू द एज ऑफ न्यूज़। तो गाइस, आज एवेंजर 4 की इतनी कमाल की न्यूज़ आई है कि आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। जी हाँ, तो एवेंजर 4 से रिलेटेड भी एक रूमर आया कि आपको एंडिंग के एवेंजर 4 में दो कैरेक्टर आपको सर्वाइव करते दिखेंगे, दो ओरिजिनल कैरेक्टर। तो वो ओरिजिनल कैरेक्टर कौन है? तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टोनी की और हमारे कैप्टन की। आपको पता है एवेंजर 4 में टाइम ट्रैवलिंग होने वाली है और कुछ मूवी में हटके होने वाला है, बट दो कैरेक्टर आपको सर्वाइव करते देखेंगे, वो हमारा टोनी और कैप्टन ही होगा, ना कि एंटमैन, थॉर, हल्क। जी हाँ, इन सारे कैरेक्टर को छोड़कर हमारे दो ओरिजिनल कैरेक्टर ही आपको सर्वाइव करते देखेंगे, क्योंकि मूवी का मेन मोटिव इन दोनों के ऊपर ही होगा। और जबकि सभी को पता है कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के बाद सारे ज्यादा से कैरेक्टर मर चुके थे। और इससे पहले मेरे पे एक न्यूज आई थी कैप्टन से रिलेटिव और टोनी से रिलेटिव कि टोनी एवेंजर 4 में इन्फिनिटी गॉटलेंट बनाएगा, उसे पहनेगा। उसके बाद कैप्टन से रिलेटेड मेरे पे ये न्यूज़ आई थी कि कैप्टन अमेरिका यहाँ पर पागल हो जाएगा एवेंजर 4 में और वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, उसे स्टीव का और आधे से ज़्यादा मरे कैरेक्टरों को काफ़ी दुख होगा, और उसे अगर ये पता चलेगा कि टोनी भी मर चुका है तो उसे और ज़्यादा दुख पहुँचेगा, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि टोनी अभी टाइटन प्लैनेट पर है और वो अर्थ पर जरूर आएगा नेबुला की मदद से, ये तो कन्फर्म है ही है। देन उसके बाद टाइम ट्रैवलिंग होगी। तो ये दो कैरेक्टर ऐसे होंगे जो कि एंडिंग में पूरे टाइम आपको सरवाइव करते देखेंगे, और मुझे लगता है कि थैनोस के बाद ये दो कैरेक्टरों को सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग होगी। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देन गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज कि अगर ये दोनों कैरेक्टर अगर आपको सरवाइव करते देखेंगे तो टाइम ट्रैवलिंग में इन्हीं कैरेक्टरों की याददाश्त भी रहेगी। जी हाँ, बाकी लोग इन्हें सरवाइव करेंगे बट उनको ध्यान भी होगा कि हम किस इवेंट में चल रहे हैं, बट कैप्टन और स्टीव जब सरवाइव करेंगे तो उनको ध्यान होगा क्योंकि वो टाइम ट्रैवल करके सिर्फ अपनी पुरानी बॉडी में वापस आएंगे। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 2012 के इवेंट की और सिविल वॉर के इवेंट की, कि जब वो अपनी पुरानी बॉडी में वापस आएंगे तो उनको याद रहेगा कि हाँ, इन फ्यूचर में एवेंजर इन्फिनिटी वॉर हुआ था और देन थैनोस ने सबको मार दिया, बट वो इस सबको बचाने के लिए सबको समझाएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, और टाइम ट्रैवलिंग से लोकी को बचाएंगे, टोनी शील्ड में शामिल हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर कर्नेच के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।